गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। लास्ट टर्न के ऊपर हमने फर्मी थ्योरी से शुरू करा था और फर्मी थ्योरी को हमने स्टार्ट करके फर्मी गोल्डन रूल को यूज़ करते हुए और हमने एक कंक्लूजन पे पहुँचे थे कि जो नंबर ऑफ स्टेट थी वो हमने निकाली थी हमने बिटवीन द मोमेंटम इलेक्ट्रॉन के लिए और न्यूट्रिनो के मोमेंटम दोनों के लिए निकाली थी और उसके बाद में हमने टोटल नंबर ऑफ स्टेट निकाली थी और हमें एक्चुअल में चाहिए थी डेंसिटी ऑफ स्टेट। तो लास्ट टर्न के ऊपर अपन ने डी एन न्यू की वैल्यू निकाली थी और डी एन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू निकाली थी और डी एन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू थी 4πp² dp 2π/h² का होल क्यूब और डी एन न्यू इज इक्वल टू 4πq²dq/2π² का होल क्यूब। ठीक है ना, यहाँ पी और क्यू इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो का मोमेंटम है। ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉन के साथ में हमेशा एंटी न्यूट्रिनो ही निकलेगा, जिसको मैंने यहाँ पे एक बार न्यूट्रिनो बोला है, बार बार मैं रिपीट नहीं करूँगा, वो मैं पहले बता चुका हूँ। फिर हमने लास्ट लाइन जो नाइन्थ नंबर इक्वेशन करी थी वो लिखी थी टोटल नंबर ऑफ स्टेट डी एन एफ इज इक्वल टू डी एन ई इंटू डी एन न्यू और उसकी वैल्यू अपन ने लिखी थी उसमें एक छोटा सा चूँकि बोर्ड पर लिखते हुए मुझसे गलती हो गई थी उसको अपन ठीक कर लेते हैं आज। गलती कभी भी हो जाए, कभी भी उसको ठीक करने में हमें सोचना नहीं चाहिए और किसी भी स्टेप पर उसको ठीक कर लेना चाहिए। ठीक है ना, तो डी एन एफ में हमने वैल्यू लिखी थी 4πp²q²dp/dq/2πh² का होल की पावर 6। एक्चुअल में ये 2π का होल स्क्वायर है, 4π का होल स्क्वायर है। ध्यान रखना 4πp² था, 4πq² था, तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4π का स्क्वायर आएगा। तो आप नाइन नंबर इक्वेशन में थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, मैंने आप बोर्ड के ऊपर ठीक लिख दी है। ठीक है ना, तो डी एन एफ इज इक्वल टू 4π का होल स्क्वायर। इस ध्यान रखना, इसको जल्दी जल्दी में कई बार ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो 4ππ² बन जाएगा। ठीक है ना, तो ध्यान रखना 4π का होल स्क्वायर है, p²q²dp/dq/2πh² की पावर 6। ये इक्वेशन नंबर 9 थी। अब हम इसके आगे शुरू कर रहे हैं। लेट ई जीरो बी द टोटल अवेलेबल एनर्जी बींग शेयर्ड बाय इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो। मैंने एक बार न्यूट्रिनो लिखा है, ठीक है ना, और लेट द एनर्जी हम जानते हैं कि उसको मान लिया कि ई ई एंड ई न्यू। ठीक है ना, तो टोटल एनर्जी कितनी है, ई जीरो है, तो ई जीरो इज इक्वल टू ई ई प्लस ई न्यू हो जाएगी और इक्वेशन नंबर 10 हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन का मास कंपेरेटिवली थोड़े न्यूट्रिनो के कंपेरिजन में ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर हम रिलेटिविस्टिक फॉर्मूला काम में लिखेंगे। इलेक्ट्रॉन ई ई इज इक्वल टू अंडर रूट p²c² प्लस m02 से की पावर 4 होता है, पर m0 की जगह m ही लिख रहे हैं। इसका मतलब m क्या है, रेस्ट मास है, और रेस्ट मास किसका, इलेक्ट्रॉन का। ठीक है ना, तो क्योंकि और कोई दूसरा पार्टिकल हम कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं तो इसलिए e लगाने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। क्योंकि न्यूट्रिनो का रेस्ट मास 0 है, मासलेस, हमने जब थ्योरी डिराइव करी थी तब हमने बताया था कि मासलेस पार्टिकल है, तो ई न्यू इज इक्वल टू कितना है, क्यू सी हो जाएगा, उसमें ये टर्म एग्जिस्ट नहीं होगी, तो ई ई की जगह ई न्यू बराबर कितना हो जाएगा, q²c² का अंडर रूट, तो ये बन जाएगा क्यू सी। ठीक है ना, तो ये अब फॉर ए गिवन एनर्जी ऑफ ई ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मान लो हमें एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है ई, उसके बारे में हम कंसिडर करना चाहते हैं क्योंकि हमें बेसिकली ग्राफ प्लॉट करना है, तो हम पहले एट ए पॉइंट लेंगे फिर उसको ई को डी कर देंगे, स्मॉल वेरिएशन कर देंगे। ठीक है ना, तो पहले हम ले रहे हैं फॉर ए गिवन एनर्जी ऑफ ई ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मतलब ई ई की वैल्यू कितनी होगी, ई ई की जगह हो जाएगा ई, तो आगे जहां कहीं भी ई ई होगा उसकी जगह मैं केवल ई लिखूंगा। ठीक है ना, ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो इक्वेशन जो मेरे पास 10 है उससे क्या आ जाएगा, क्योंकि ये गिवन एनर्जी है एक है, तो इसका मतलब ई कॉन्स्टेंट हो गया। तो जब मैं इक्वेशन 10 को पार्शियली डिफ्रेंशिएट करूंगा तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी डी ई जीरो बराबर ई ई, इसकी वैल्यू बन जाएगी जीरो क्योंकि ये गिवन एनर्जी होगी, तो इसका मतलब इसमें वेरिएशन नहीं होगा, प्लस क्या आ गया डी ई न्यू, ये आ जाएगा, तो ये वैल्यू ये बन जाएगी। और हमारे पास 12 नंबर में क्या है, ई न्यू बराबर कितना है, क्यू सी है, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करें तो ई ई न्यू बराबर हो जाएगा सी डी क्यू, तो ये अपने पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, तो ये अपने पास इक्वेशन है, ये 12 नंबर से हमने कर ली। इसी इक्वेशन को आगे हम और सिंप्लीफाई करें तो डी क्यू बराबर हो जाएगा DE(DE)(ν)/c, और DE(ν) की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, DE0 लिख सकता हूँ, तो DE0 अपॉन क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। ठीक है ना,
देयरफॉर इस इक्वेशन, तो ये आ गई, मैंने तब दोनों तरफ क्या कर दिया, इस इक्वेशन में क्यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ। जैसे ही मैं इसको क्यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे क्यू स्क्वायर की जगह मैं क्या, क्यू की जगह क्या लिख दूँ, क्यू की जगह लिख दूँ ई न्यू अपॉन सी, तो मैं लिख दिया ई न्यू अपॉन सी, तो ई न्यू का स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या, ये क्या बन गया, ई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब हो गया डी ई न्यू। तो मेरे पास क्यू स्क्वायर डी क्यू बराबर कितना हो गया, ई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब डी ई जीरो। ये इक्वेशन नंबर क्या बन गई, 13 नंबर इक्वेशन बन गई। तो ये बहुत छोटे छोटे स्टेप हैं, आपको हर एक को करना आना चाहिए, अपने हाथ से करें, लिख लिख के करें, इन नोट्स के ऊपर बिलीव इनको तो देखना ही है, मगर आपको ध्यान रखना है, कहीं छोटी मोटी गलती मुझसे भी हो जाए, कहीं क्यूब की जगह कोई लग जाए, ब्रैकेट लगना बन जाए, तो आपको ठीक करना है ना, ह्यूमन बींग है, किसी से भी गलती हो सकती है, मुझसे भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, मगर अपने को इसको मिनिमाइज करना है। जैसे मेरी एक गलती थी, उसको मेरे को रिकलेक्ट हो गई, मैंने मेरे लेक्चर को वापस देखा आज देने से पहले, वापस पुराना पड़ा, तो पता पड़ा कि मैं ये गलती कर चुका हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, उसको ठीक करना है। तो आपको ध्यान रखना है, आपको एग्ज़ाम के अंदर ये चेक करने का टाइम नहीं मिलेगा, तो आपको अपने स्पीड को ध्यान में रखते हुए ऐसे बनाना है कि आप एक बार वापस से क्या कर सकें, पेपर ख़त्म होने के बाद में एक पूरे को रिकलेक्ट करने का टाइम आपके पास जरूर हो। तो पेपर को आप 2.5 घंटे में सॉल्व करें और आधा घंटा रिकलेक्शन के लिए, पूरा चेक करने के लिए अपने पास मार्जिन रखें। तो कभी भी गलती होगी, वो किसी भी स्टेज में होगी, वो पकड़ में आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये जो 13 नंबर इक्वेशन है, इसको कहाँ रख दें, हम ऊपर 9 नंबर रख दें। तो डी एन एफ बराबर कितना हो जाएगा, 4π का होल स्क्वायर, पी स्क्वायर है ही है क्यूब, और डी पी है ही है, 2π h क्रॉस का होल की पावर 6 है। अब जो मेरे पास था क्यू स्क्वायर डी क्यू, तो क्यू स्क्वायर डी क्यू की जगह क्या लिख दूँ, ई न्यू का स्क्वायर अपॉन सी क्यू डी ई जीरो। ये वैल्यू को अपने को यहाँ पर रख देना है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपने पास काम के। इस डी ई जीरो को मैं यहाँ डिनोमिनेटर में लेके आ गया, इसको लेके आने से क्या हो गया, डी एन एफ अपॉन डी ई जीरो, डेंसिटी ऑफ स्टेट, ठीक है ना, जो मेरे पास डेंसिटी ऑफ स्टेट चाहिए वो मेरे को मिल जाएगी, जो फर्मी गोल्डन रूल, जो अपना 6 नंबर इक्वेशन था, उसमें रखने के काम में आएगी अपने पास। तो बहुत बहुत काम की चीज़ है, तो आपको ध्यान रखना, डी एन एफ अपॉन डी ई जीरो बराबर, इसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 हो जाएगा, और 2 की पावर 6 है, तो यहाँ पर रह जाएगा 2 की पावर 2, मतलब 4 आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, पाई स्क्वायर यहाँ है, पाई की पावर 6 यहाँ है, ये कट जाएगा, पाई की पावर 4 रह जाएगा यहाँ पे, एच ऊपर कहीं नहीं है, एच क्रॉस की पावर 6 ये एज इट इज रह जाएगा, सी ऊपर कहीं नहीं है, तो यहाँ पे सी की पावर 3 रह जाएगा, पी स्क्वायर डी पी एज इट इज है, ठीक है ना, ई न्यू स्क्वायर एज इट इज है, ठीक है ना, डी ई जीरो मैं ऑलरेडी यहाँ नीचे लेके आ गया, तो मेरे पास ये वैल्यू इक्वेशन यहाँ पे बन के आ जाएगी, ठीक है ना। अब मैं ई न्यू की जगह क्या लिख सकता हूँ, इक्वेशन नंबर अपने पास 10 है, उसमें ई न्यू बराबर कितना हो जाएगा, ई जीरो माइनस ई ई, ई ई की जगह अब अपन ई लिखेंगे, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ एनर्जी के लिए, इलेक्ट्रॉन के एनर्जी के लिए काम कर रहे हैं, और उसकी वैल्यू अब कितनी है, ई है। तो मेरे पास नेट जो डेंसिटी ऑफ स्टेट आ जाएगी, डी एन एफ अपॉन डी ई जीरो बराबर 1/4 π/4 h^6 पी स्क्वायर डी पी अपॉन सी क्यूब ई जीरो माइनस ई का होल स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन नंबर अगली दे देते हैं, 14 नंबर इक्वेशन, ये अपने पास डेंसिटी ऑफ स्टेट की इक्वेशन आ गई। अब हम इस इक्वेशन को, हमारा जो फर्मी गोल्डन रूल का था, जिसमें प्रोबेबिलिटी निकालनी थी हमें, इलेक्ट्रॉन की निकालनी थी बिटवीन एनर्जी स्टेट ई टू ई प्लस डी ई, उसके लिए हम काम कर रहे हैं, तो उसमें इस वैल्यू को क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और सब्स्टिट्यूट करके और हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है ना, और सिंप्लीफाई करके नेट हम रिजल्ट निकाल देंगे। तो जल्दी से मैं वो 2-3 स्टेप बचे हुए हैं उनको और सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है ना, और फिर हमारे पास एक फार्मूला ऐसी फॉर्म में आ जाएगा जिसको हम सिंप्लीफाई आगे और आप लेके जाकर स्टेप को हम काम में लेंगे। तो एक बार मैं लास्ट लाइन इसकी रहने देता हूँ और बाकी सारी लाइन्स को मिटा देता हूँ, ये अपने पास है, ठीक है ना, तो ये सारी के सारी है। तो मेरे पास डेंसिटी ऑफ स्टेट अब जो बन जाएगी वो बनेगी, डेंसिटी ऑफ स्टेट बराबर था मेरे पास 2π/h^6 और
एच डैश एफ आई का होल स्क्वायर, और आगे मेरे पास था डी एन एफ अपॉन डी ई जीरो। यहाँ पे ये 14 नंबर इक्वेशन को मैं यहाँ सब्सटीट्यूट करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 2 पाई अपॉन एच क्रॉस एच डैश एफ आई का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू एज इट इज यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दूंगा। मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई की पावर 4 एच क्रॉस की पावर 6, और क्या आ जाएगा पी स्क्वायर डी पी अपॉन सी क्यूब, और आगे कितना है ई जीरो माइनस ई का होल स्क्वायर। ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे आ गई, ठीक है ना। इसको और अब इसको एक बार मैं इक्वेशन नंबर 15 कह देता हूँ, और मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूँ। हम जानते हैं हमारा पुरानी इक्वेशन है अपने पास, ई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी की पावर 4, इलेक्ट्रॉन के लिए हम जानते हैं। इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा 2EDE बराबर कितना हो जाएगा 2PDP सी स्क्वायर प्लस 0, ठीक है ना। तो मेरे पास इससे आ जाएगा PDP बराबर कितना हो जाएगा EDE, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और अपॉन कितना आ जाएगा सी स्क्वायर, ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो इस इक्वेशन को मैं आगे काम में लूँगा, ठीक है ना। तो इसको नंबर कर देता हूँ मैं 15 के बाद में 16 नंबर, और इस 16 नंबर इक्वेशन को क्या कर दूँ मैं यहाँ पे 15 नंबर में सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। तो देखिए क्या आता है, एन ई डी ई इज इक्वल टू, कैलकुलेशन बाद में कर लेंगे, 2 पाई अपॉन एच क्रॉस एच डैश एफ आई का होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 4 पाई की पावर 4 एच क्रॉस की पावर 6। अब यहाँ पी स्क्वायर है तो मेरे पास एक रह जाएगा पी, और पी डी पी जी की जगह मैं लग देता हूँ ई डी ई अपॉन सी क्यूब है ये, और यहाँ पे सी स्क्वायर और आ जाएगा तो ये सी स्क्वायर और आ जाएगा, तो ये दोनों हो गया, और आगे वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी ई जीरो माइनस ई का होल स्क्वायर। ये अपने पास इक्वेशन, इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं और देखते हैं कि नेट रिजल्ट अपने पास क्या आ जाता है। ये 2 और 2 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, एक पाई कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास नेट जो टर्म बच जाएगी यहाँ पर वो आ जाएगा 1 अपॉन 2 रह गया, तो 2 पाई की पावर 3 रह गई मेरे पास, ठीक है ना। 4 में से एक गया, थर्ड 3 रह गया, और एक एच क्रॉस यहाँ पर आ जाएगा तो एच क्रॉस की पावर 7, और ये क्या आ जाएगा सी की पावर मेरे पास आ जाएगा 5, 3 और 2 5 रह गया, ठीक है ना। अब मेरे पास है एच डैश एफ आई का होल स्क्वायर, और ये मेरे पास आ जाएगा पी ई, और ये रह गया ई जीरो माइनस ई का होल स्क्वायर डी ई। ये मेरे पास हो गया डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एनर्जी ई एन ई प्लस डी ई। ये इसको बॉक्स में कर लें, ये हमारे बहुत बहुत काम का फॉर्मूला है, ठीक है ना। इससे हम बहुत सारी चीज़ें आगे निकालेंगे, ठीक है ना। ये बेसिकली छोटी सी हमारी इसकी कैलकुलेशन है। अब हमें वेव फंक्शन, हमें हैमिल्टोनियन के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी है, तो हम अपना जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हैमिल्टोनियन के ऊपर फोकस करेंगे सारा का सारा, ठीक है ना। और हैमिल्टोनियन को निकाल करके फाइनली इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके एक कंक्लूजन के ऊपर पहुंच करके जो फर्मी अपने को प्लॉट करना है उसको हम ऑब्टेन कर लेंगे, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।